नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश को लेकर आज फिर कमलनाथ सरकार ने यहां पर ऐलान किया है कि जल्द उनकी सरकार बन जाएगी। तो क्या कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया का सपोर्ट यहां पर मिल रहा है? कुछ ऐसी ही यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उपचुनाव में पलट सकती है बाजी और किसानों का जो कर्जा माफ उसको लेकर बड़ी खबर है। किसानों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है बीजेपी से मांग रखी थी, अब बीजेपी ने उस मांग को पूरा किया है नहीं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ पर जो है पहली ही मांग टुकराई जा सकती है। और जैसे अनुमान लगाया जा रहा था, कांग्रेस यहाँ पर कई बड़े नेताओं ने माना था कि बीजेपी में जाते ही सिंधिया काफी जो है उनका ग्राफ गिर जाएगा, जो महाराष्ट्र से वो जीरो बन जाएंगे, ऐसी कुछ यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि किसानों के कर्ज माफ को लेकर और किसानों की जो समस्याएं थी उसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार से इस्तीफा दिया। इसके बाद अब बीजेपी में वो शामिल है। उन्होंने किसानों के लिए एक मांग यहाँ पर रखी थी बीजेपी से, जो उन्होंने मांग में साफ तौर पर अपने ट्वीट में साफ तौर पर जाहिर किया था कि जो किसानों का समर्थन मूल्य पर जो यहाँ पर खरीदी, जिसमें गेहूं और सरसों की जो खरीदी है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक ट्वीट किया था। और ये ट्वीट काफी अब महत्वपूर्ण बन चुका है उपचुनाव को लेकर। वर्तमान के यहाँ पर अगर बात की तो कृषि मंत्री कमल पटेल है, और कमल पटेल से उन्होंने जो है अपनी यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर एक ट्वीट किया था। और क्या कुछ यहाँ पर फैसला लिया गया है, हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने एक कैबिनेट मीटिंग भी किया है, उस कैबिनेट में 2018-19 का यहाँ पर बीमा राशि सभी किसानों को यहाँ पर दी जाएगी एक हफ्ते के अंदर। सभी किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए जो है, किसानों के लिए जो मंडी है उस मंडी में जो है अब व्यापारी के लिए काफी कुछ राहत दी है, और किसान अपनी मर्जी के हिसाब से अब व्यापारी को अपना जो भी यहाँ पर फसल है उसको बेच सकते हैं, अपने हिसाब से जहाँ उनको ज्यादा प्रॉफिट हो उसको वहाँ बेच सकते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर कमल पटेल को एक ट्वीट किया था, कृषि मंत्री बनने पर आपको बधाई दी थी, मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश के किसानों की बड़ी गंभीर समस्या की ओर दिखाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में इस बार चने और सरसों की बंपर पैदावार हुई है। बता दें कि यहां पर ग्वालियर चंबल में से अगर बात करें तो 16 सीटें जो 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 16 सीटें इसी क्षेत्र से आती हैं, और इस क्षेत्र के किसानों के लिए कहीं ना कहीं चने और सरसों की बंपर पैदावार हुई है। इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर हाल ही में मंत्री बने कमल पटेल को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो खरीदी है वो फिलहाल 14 से यहाँ पर 15 क्विंटल हेक्टर प्रति हेक्टर के हिसाब से खरीदी की जा रही है। मेरा आपको सुझाव यह है कि प्रयास हो कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रदेश के किसानों के चने और सरसे की फसल की सरकार द्वारा खरीदी सीमा जो है 20 क्विंटल तक वृद्धि की जाए, जो संकट से जूझ रहे किसानों को बहुत सहयोग सहायता मिल जाएगी। लेकिन इस पर कोई भी फैसला सरकार की तरफ से अब तक नहीं लिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आप कहीं ना कहीं सरकार पर काफी नाराज यहां पर दिखाई दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि कृषि मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी हाल ही में। उनके मंत्री जो है तुलसी सिलावट को बनाया गया है, उन्होंने यहां पर कमल पटेल से इस विषय में बात की है। लेकिन हाल ही में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी बीजेपी की तरफ से, उसमें बड़ा फैसला किसानों के बीमा योजना को लेकर और कृषि जो और भी यहाँ पर योजनाएं उनको लेकर किया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया। तो क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से आज जो है यहाँ पर नए तरीके से कमलनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द उनकी सरकार बन जाएगी, उपचुनाव में कांटा पलट सकता है, बाजी पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है उपचुनाव को लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस प्रकार से उनका दबदबा रहता है, जिस प्रकार से मांगे कमलनाथ सरकार ने पूरी नहीं की थी इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार में अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो फिर वो दिशा बदल भी सकती है, ऐसे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्या होगा मध्य प्रदेश में, क्या आने वाले समय में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे मुख्यमंत्री, ये भी काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की अगर अभी से ही इन दो बड़े नेताओं के बीच जो है आपसी सामंजस्य अगर नहीं बैठते हैं तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कमलनाथ सरकार की वापसी भी हो सकती है, ऐसी कुछ अहम बड़ी खबरें जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। तो 24 सीटों पर क्या होगा उपचुनाव में, इस पर भी आपको सटीक जानकारी बहुत जल्द यहां पर देंगे, आपको सटीक यहां पर विश्लेषण दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश की 24 सीटों में से कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं। तो इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात ना मानना बीजेपी को कितना महंगा पड़ सकता है,
अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए।